Good morning everyone, I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS. Class 4th, EVS में हम 17 chapter कर रहे थे, Recreation is important. हमने इस chapter में, first part में बात की थी recreation के बारे में, और personal recreation और recreation with others. Personal recreation, recreation का मतलब क्या होता है? Recreation का मतलब ही होता है कि डेली लाइफ में कुछ फन करना, फन एक्टिविटीज़ करना, ठीक है. और पर्सनल रिक्रिएशन का मतलब है कि आप अपने होम में, घर में बैठ के पर्सनली या अकेले बैठ के कार्टून देखना, बुक्स रीडिंग करना, ये सब होता है पर्सनल रिक्रिएशन में आता है. मतलब अकेले ही उसमें आप फन कर सकते हो. और रिक्रिएशन विद अदर्स में था कि सबके साथ मिलके फन, मस्ती, मौज करना, जैसे त्योहारों में, ठीक है, या कहीं घूमने में, मतलब विजिटिंग मैनी प्लेसेस पे जाके. अब नेक्स्ट हमने किया था, ये टॉपिक हमने किया था कि व्हेन अ सर्कस कम टू टाउन. जब सर्कस जब टाउन में, हमारे टाउन में आता है, तो क्या होता है कि बहुत इंजॉयमेंट होती है. हम वहाँ पे जाते हैं, हम देखते हैं सर्कस में क्या होता है. सर्कस में हम क्या देखते हैं? क्लाउंस जो होते हैं, क्लाउंस उसको बोलते हैं जो जोकर होते हैं, वो फ़नी फ़नी ड्रेसेस पहन के और फ़नी कॉस्ट्यूम्स पहन के और मेकअप करके हमें क्या करते हैं, वो हंसाते हैं अपने फन फ़नी एक्टिविटीज़ से, ठीक है. नेक्स्ट है फेयर. फेयर का मतलब है मेला. अब फेयर देखो अलग अलग तरीके का होता है, कि कहते हैं ना कि ट्रेड फेयर, बुक फेयर. तो बुक फेयर मतलब किताबों की जो मेले लगते हैं. अब दिल्ली में देखो या प्रगति मैदान में, हाँ मेला लगता है, बुक फेयर सबसे बड़े बुक फेयर लगता है, किताबों की मेला. अब सूरज कुंड मेला में क्या होता है? सूरज कुंड मेला में यहाँ क्राफ्ट्स के मेले लगते हैं, जो कुछ एक्टिविटी जो बनाते हो हाथों से, कुछ नई नई चीज़ें जो होती हैं, जिसको आपका जो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड होता है, वो चीज़ें हमारे सूरज कुंड मेला में होता है. ट्रेड फेयर में होता है, देखो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भी होता है, इंटरनेशनल बुक फेयर भी होता है. और ये सब आपके क्या है, लार्ज वो आपके फेयर्स हैं, जो बहुत बड़ी तादाद पे ये जो है फेयर्स होती हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आते हैं यहाँ इस ट्रेड में, क्योंकि बहुत बड़ी सूरज कुंड मेला भी बहुत बड़ा होता है और आपके बुक फेयर भी ऐसे ही होते हैं कुछ. तो इन फेयर में क्या करते हैं लोग, इन्जॉय करते हैं, मेले में घूमते हैं. और आपके जो कुछ आपके जो मेले हैं जो फेस्टिवल से रिलेटेड, जैसे दिवाली का मेला हो गया, क्रिसमस मेला हो गया, ये सब हो गए. और रिलीजियस मेला भी लगते हैं, आपको पता है होगा, तो रिलीजियस मेला है, कुंभ मेला जो लगता है, पुष्कर मेला, कुंभ मेला, ये सब जो मेला लगता है आपके रिलीजियस बेसिस, मतलब भक्ति से रिलेटेड है, ठीक है. नेक्स्ट आपका इसी ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है. आप यहाँ देख सकते हो इसी चैप्टर से रिलेटेड आपके कुछ एक्सरसाइज है, उस पर हम बात करते हैं. टेक द करेक्ट स्टेटमेंट. बुक्स आर अवर रियल फ्रेंड्स. जो किताबें जो हमारे रियल फ्रेंड होते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं, तो ये सही है. रिक्रिएशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. रिक्रिएशन जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये गलत है. रिक्रिएशन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. हमें रिक्रिएशन होना ज़रूरी है लाइफ में, कुछ नया नया एक्टिविटीज़ करना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, फन एक्टिविटीज़. वी सेलिब्रेट अवर बर्थडे पार्टी अलोन. हम अपना बर्थडे पार्टी अलोन सेलिब्रेट, मतलब अकेले ही सेलिब्रेट करते हैं, ये गलत है. तो हम स्टेटमेंट पे क्रॉस करेंगे. नेक्स्ट है आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करना है. वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और ये लॉन्ग, ये तीनों ही आपको अपनी नोटबुक में करना है. और फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको अपनी नोटबुक पे करना है. तो स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट से. वेयर कैन यू सी मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स. आप कहाँ देखते हो बहुत अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स हैं? तो वी सी मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन जू. ठीक है, यहाँ से लिखना, वी सी मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन जू, ये आपका आंसर है. ठीक है, वेयर कैन यू सी अ क्लाउन. कहाँ आप देखते हो क्लाउन? तो ये आंसर है, We can see a clown in circus. हम सर्कस में क्लाउन को देखते हैं. ठीक है, क्लाउन मतलब वही जोकर होते हैं जो फन एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, फनी कॉस्ट्यूम्स पहन के. नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगी, लॉन्ग और शॉर्ट.
हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। रीडिंग बुक्स इज पर्सनल रिक्रिएशन। बुक्स को रीड करना ये पर्सनल रिक्रिएशन है जो आप अकेले में बैठ के भी खुद पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑन बसंत पंचमी चिल्ड्रन लव टू फ्लाई काइट्स। ठीक है, काइट्स आएगा यहाँ पे। एट द एंड ऑफ अ सर्कस शो ऑल द आर्टिस्ट परेड ऑन द स्टेज। क्या होता है कि जब शो ख़त्म हो जाता है सर्कस में तो एंड के टाइम, जब एंड टाइम होता है तो उस टाइम क्या करते हैं, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जो आपको हंसा रहे होते हैं, तो एंड टाइम पे वो सारे के सारे स्टेज पे आके एक परेड करते हैं। लास्ट है आपका टेक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द दीज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनल रिक्रिएशन। इनमें से कौन सा ऐसे एक्टिविटी हो जो पर्सनल रिक्रिएशन नहीं है? तो सर्कस पर्सनल रिक्रिएशन नहीं है, ये है आप दूसरों के साथ बैठ के इंजॉय करते हो, सभी लोग होते हैं। इन विच शो वी कैन सी अ ट्रिक राइडर्स एक्रोबेट्स क्लाउंस एंड जगलर्स। हम कौन से शो में जगलर्स देखते हैं, मैजिशियन वगैरह देखते हैं और आपके क्लाउंस वगैरह देखते हैं? तो ये सर्कस में होता है। नेक्स्ट है कि एब्जॉर्ब एंड राइट थ्री इंफॉर्मेटिव टेलीविजन चैनल के नाम बताने हैं। डिस्कवरी, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, तो डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, एनिमल प्लैनेट। थ्री फेमस फेयर्स के नाम बताने, सूरज कुंड क्राफ्ट्स मेला, इंटरनेशनल बुक फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ठीक है, ये जो है ऑब्जर्व एंड राइट आप अपने बुक में फिल करोगे, टेक द करेक्ट ऑप्शन भी बुक में फिल करोगे, और फिल इन द ब्लैंक्स बुक में भी फिल करोगे, कॉपी में भी करोगे, और क्वेश्चन आंसर सारे के सारे आपको नोटबुक में करने हैं, और टिक द करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपको बुक में फिल करना है। ठीक है बच्चे।